नमस्कार दोस्तों, ये हमारी मेघालय बाइक ट्रिप का आखिरी ब्लॉग है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ब्लॉग को एंड तक देखें, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको काफ़ी सारे कुछ देखने को मिलेंगे। हमारे साथ एक भयानक इंसिडेंट भी हुआ जो हम मरते मरते बच गए, और इसको हम ब्लॉग की आखिर में आपको दिखाया भी थोड़ा बहुत और बताएँगे अच्छे से। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए, और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, हम अभी क्लीन विलेज में हैं, और कल रात को इधर ही एक होम स्टे में स्टे किया। थोड़ा होम स्टे को देखा, इधर ही कहीं, और ये साधारण सा है लेकिन बहुत ही क्लीननेस मेंटेन किया इन्होंने। और आई मीन हम तो रिकमेंड करते हैं, ये अफोर्डेबल बजट में और बहुत ही अच्छा होम स्टे मिलता है यहाँ पे। और अभी हम जाएंगे दाउकी, जो क्लीनेस रिवर शायद आप लोगों ने पिक्चरों में यूट्यूब में देखे होंगे। बारिश हुआ कल रात को शायद, तो वाटर उतना क्लीन नहीं होगा, लेकिन जो वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हमें पता चला यहाँ के लोगों से। तो हम पहले दाउकी जाएंगे, फिर वहाँ से चेरापुंजी, फिर चेरापुंजी से घूमते शिलोंग, देन ऑल द वे गुवाहाटी, दैट बी अवर लास्ट स्टॉप। देन फ्रॉम टुमारो विल गो बैक टू होम। तो मिलते हैं रोड पे दाउकी में, तब तक के लिए। दोस्तों अभी हम बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक से जा रहे हैं, और ये मेघालय दाउकी एरिया में आता है, और शायद अभी यहाँ से आप एंट्री एग्ज़िट भी कर सकते हो विद वैलिड वीज़ा। एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप कभी बॉर्डर एरिया से ट्रैवल करते हो ना, अगर कोई फौजी भैया आपको ड्यूटी करते हुए मिल जाए ना, तो थोड़ा हाय हेलो कर लिया करो यार, एटलीस्ट थोड़ा बात कर लिया करो। वो लोग बहुत खुश होते हैं, ये वो लोग हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, वो लोग है तो हम हैं ना, चैन से सो सकते, चैन से घूम सकते। एक तो देखो वो लोग घर से इतना दूर ड्यूटी कर रहे हैं, कोई कोई जगह सुनसान होता है, कोई नहीं रहता है, 12 घंटा 24 घंटा वो लोग खड़े ही रहते हैं, कोई मिलते भी नहीं बात करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी आप बात कर लेते हैं ना, वो लोग बहुत खुश होते हैं। दोस्तों हमें अभी रास्ते में दो चार फौजी भैया मिले, और हमने बात किया 5-10 मिनट करके, मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, वो लोग इतना खुश हुए, बहुत खुश हुए, वो लोग बहुत खुश हुए। क्लीन विलेज से दाउकी रिवर करीब 35 किलोमीटर है, और पूरा रास्ता ऐसा ही है, बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा टर्न है। कुछ तो टर्न ऐसा है कि यू टर्न जैसा टर्न है, जैसे मैंने कल बताया जो क्लीन विलेज आने के टाइम जैसा होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा हिल नहीं है, ये पूरा हिल में आता है, तो आपको बहुत संभाल के चलाना है। और मेरा तो ये क्लास दबा दबा के उंगली दर्द हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा टर्न्स है और इतना छोटा रास्ता है, और गाड़ियाँ आते जाते रहते हैं दोनों तरफ से। तो हाँ दोस्तों, संभाल के चलाइएगा अगर इधर आ रहे हो तो। कल रात को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ दोस्तों, तो हमें थोड़ा डाउट है कि दाउकी रिवर का पानी उतना क्लीन होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ की कुछ लोकल लोगों ने बताया कि उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है बारिश की वजह से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो सराउंडिंग है ना, दाउकी तो है ही खूबसूरत, लेकिन उसका जो सराउंडिंग है ना, जो रोड से हम जा रहे वो इतना खूबसूरत है कि अगर पानी हमें उतना क्लीन नहीं भी मिले ना, फिर भी कोई बात नहीं यार, हमें इतना ऐसे ही इतना मज़ा आ रहा है। दाउकी रिवर इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनेस्ट वाटर, और ये इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, और ये इतना ज़्यादा क्लीन होता है ना इसका वाटर दोस्तों, इसका जो नीचे का सरफेस है ना वो तक देख सकते हो आप। और आप अगर बोटिंग करो ना, आपका बोट भी रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप ड्रोन लेके अच्छा कैमरा लेके शूट करेंगे ना, वो वाकई एक सिनेमेटिक आपको वीडियोस मिलेंगे। आप थोड़ा यूट्यूब में देख लो, बहुत सारे यूट्यूबर ने डाल रखे, आपको पता चले जाएंगे ये कितना खूबसूरत है, और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो जगह देखने के लिए।
अभी हमें रास्ते में एक शिव मंदिर मिला है और हम और सत्या भैया चाहते हैं कि थोड़ा दर्शन करके जाते, भोलेनाथ की आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमें लंबी सी रास्ता तय करना और हम वैसे भी भोलेनाथ की फैन हैं। आई मीन इन्हीं की कृपा से हम आज यहाँ हैं और ठीक है, थोड़ा प्रणाम करें। देख लो दोस्तों, और एक वाटरफॉल्स आ गया। पता नहीं कितना सारा वाटरफॉल्स है मेघालय में। जैसे कि मैंने पहले बताया ना, पूरा मेघालय में ना हर एक कोने में आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे। ये तो खूबसूरती है यार, ये मेघालय का सच में यार, ये धरती का हेवन है, धरती का हेवन। बस नीचे जाना था, बोटिंग करना। बोटिंग जाते वाले नीचे, फिर डिसाइड करेंगे। बोटिंग करेंगे अभी, ब्रिज क्रॉस करेंगे अभी। इधर जाना है, ब्रिज क्रॉस। हां, बोटिंग करेंगे मिस, पर लास्ट पॉइंट में बोटिंग में ब्रिज क्रॉस। ठीक है भैया, ठीक है। मैं जस्ट वेट फॉर मी। तो गाइस, ये प्राकृतिक सौंदर्य आपको आई थिंक मेघालय से, ये व्यू है पानी का। नमस्कारम दोस्तों, हम पहुंच चुके डौकी, जो कि देख सकते हो यहाँ की खूबसूरती। हम शायद बोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, बस हमें देखना था ये जगह और ये ब्रिज, स्टनिंग व्यू। पानी भी बहुत ब्लू ब्लू है, ब्लू ब्लू पानी। तो हमें थोड़ा डर था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था यहाँ पे, तो शायद पानी ब्लू ना रहे, लेकिन पानी स्टिल ब्लू। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो हम बोटिंग पे जाते, पर कुछ इस नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी बचा रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब आराम से बोटिंग वगैरह करेंगे। बहुत जगह ट्रैवल किया इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, लेकिन हमारा भारत में जो खूबसूरती है ना, शायद पूरा दुनिया में मिल जाए। आई मीन आप अगर पूरा भारतवर्ष घूम लें ना, तो आपको पूरा दुनिया घूमने का ज़रूरत ही नहीं है। भारत में हमारा इतना खूबसूरती है, हमारा जो कल्चर है और इसका जो ब्यूटी है, वो हैवन है। आई मीन अगर पूरा दुनिया में कोई हैवन है तो वो इंडिया है। गाड़ी हो गया हमारा पंक्चर,
दो किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आया, पंक्चर फाइनली, एक दुकान मिला, पता नहीं सही कर पाएंगे या नहीं। लैंग्वेज बैरियर है, देखते हैं, अगर नहीं सही होगा तो फिर मुश्किल है, पता नहीं कहाँ तक चढ़ना पड़े। यहाँ सही नहीं हो पाया क्योंकि ट्यूब का नॉजल टूट गया। हमें पता चला कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर और एक गैराज है जहाँ पे शायद हमें नया ट्यूब मिल जाए, लेकिन ये 15-20 किलोमीटर ले जाए कैसे, तो बड़ी मुश्किल से हमें एक पिकअप मिला है, जो अभी ये पिकअप में हम ले जाएंगे 15-20 किलोमीटर। तो देखते हैं उधर जाके क्या होता है, होप सही हो जाए। भाई लोग फाइनली बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सही किया और मैं खुद ही किया, पता नहीं कितना सही हुआ, लेकिन स्लोली जाना पड़ेगा। पीछे वाला ब्रेक अभी थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि दिन का शुरुआत ही बहुत ख़राब था। हमने पहले दावकी में गए, फिर वहाँ से निकला तो हमारा बाइक पंक्चर हो गया। और सबसे स्ट्रेंज है कि ये पूरा मेघालय में शायद शिलोंग में मैकेनिक्स है और दूसरी जगह कोई मैकेनिक ही नहीं है। तो हमने करीब 5 घंटे लगा हमें सही करने में, वो भी कोई मैकेनिक नहीं मिला, हम खुद ही सही किया पहली बार। बग के लिए तो ऐसा लगा कि हम हाल ही छोड़ दिया, शायद आज हमें इधर ही पहाड़ों की भीड़ में रात को सोना पड़ जाए, क्योंकि हम गिव अप कर दिए थे क्योंकि सही नहीं हो रहा था। तो एक दुकान मिला जहाँ पे वो बस पंक्चर ही सही करते हैं, हमें खोल के लगाना है खुद को, और हमने लाइफ में कभी टायर खोला लगाया नहीं, और ये डिस्क ब्रेक वाला तो थोड़ा कठिन हुआ तो और भी नहीं आता। तो काफ़ी कोशिश के बाद फाइनली हमने लगा पाया, पता नहीं अभी तो 20 किलोमीटर आ चुका है लगा के, अभी तक तो कोई दिक्कतें नहीं आए, आशा करते नहीं आना चाहिए, गुवाहाटी चल जाएंगे। थोड़ा बहुत बीच में जो प्लान था अभी सब हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि आप और कोई रिस्क नहीं ले सकते, इस बार ख़राब हो गया तो शायद हमें बाहर में सोना पड़ जा रहा है। तो अभी सीधा हम गुवाहाटी जाएंगे, वहाँ पे जिसका भाई को हैंड ओवर करके फिर हमारा भाई के घर। कि अगर आप कभी रेंट लेते हो बाइक तो आप बारीकी से चेक कर लो दोस्तों, क्योंकि आप बहुत परेशान होंगे। जैसे हम हमारा और एक दिन एक्सटेंड करने का प्लान था, अभी तो आज भी जितना भी प्लान था वो भी कैंसिल करके हम अभी सीधा रिटर्न जाएंगे गुवाहाटी। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हम बस 40-50 किलोमीटर गए नहीं, रात भी हो गया 8-9 बजे, और इस बार खतरनाक वाला एक्सीडेंट होने वाला था दोस्तों। हम लोग बच गए, मतलब हमारा गाड़ी 90-95 का स्पीड में थे, अब हैवी गाड़ी पता नहीं चलते, और पीछे वाला टायर फिर से पंक्चर हो गया एक पहाड़ के ऊपर। हमारा जस्ट पीछे 5-6 मीटर डिस्टेंस में 2 ट्रक आ रहे थे और साइड में खाई। उस दिन कैसे बच गए दोस्तों हमें भी नहीं पता, शायद तो हमने आने के टाइम भोलेनाथ के दर्शन किए, उन्हीं के कृपा है, और हो सकता है हमारा गुरुदेव हमारे साथ हैं क्योंकि हम उनको हमेशा प्रे करते हैं, उनकी हम डेली साधना, और पता नहीं उस दिन कुछ मिराकल हो गया। हमारा जो दोस्त है पीछे सत्या, वो तो आग बनी कर दिया था कि हम मर गए, क्योंकि 95 स्पीड में जो हमारा गाड़ी पंक्चर हो गया, तब हैंडल जैसे यू टर्न एक बार दाएं तरफ अगर बाएं तरफ, हम तो गए आज या तो गाड़ी का नीचे गए नहीं तो खाई का नीचे गए। लेकिन पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास वीडियो नहीं तो और उस लाइव मोमेंट का हमने कैप्चर नहीं कर पाए, पर हमने हैंडल नहीं छोड़ा, कुछ भी हो जाए पता नहीं ऊपर से कुछ तो शक्तियाँ थे, हमने हैंडल नहीं छोड़ा, और ऐसे कर करके हमने एकदम खाई की एकदम जस्ट गिरने वाले थे, मतलब साइड में आके हल्का सा गिर गए। क्या बताएं, अभी भी मेरे ये देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं बता के, क्योंकि वो मेरा लाइफ की सबसे डेंजर वाला एक्सपीरियंस था, मतलब मौत को मैंने बहुत ही करीब से देखा हो। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद है, हमारा गुरुदेव है हमारे साथ, भोलेनाथ थे हमारे साथ, हम बच गए। और बहुत परेशान हुआ दोस्त उस दिन, फिर हम सोचा आज तो पहाड़ में ही सोना है, फिर 5-6 किलोमीटर हमने रात करीब 8-9 बजे उसको ऊपर ले गया, बड़ी मुश्किल से लोकल लोगों ने भी हेल्प किया हमें, क्योंकि हम करीब करीब गुवाहाटी के सामने आ गए थे,
फिर हमें लोकल लोग मिले, कुछ बोले कि आगे मिल जाएंगे, फिर बड़ी मुश्किल से दोस्त एक गैराज मिला और हमने उसको सही करके फिर हमने वीडियो वापस किया ही नहीं दोस्तों, क्योंकि मूड बहुत ख़राब हो चुका था। फिर करीब 9-9:30 बजे तक उसको रात को सही किया, फिर हमने गुवाहाटी करीब 10:30-11 बजे तक गुवाहाटी पहुँचा रात को, और सो के खा पी के फिर हम सो के नेक्स्ट डे को रिटर्न आ गया घर। यही थी हमारा जर्नी मेघालय बाइक ट्रिप दोस्तों, इसमें बहुत शानदार मोमेंट भी था और इसमें कुछ थ्रिल मोमेंट भी था, तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ प्लीज़, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम क्या मोटिवेट होते फिर आगे जाके अच्छा वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।